नमस्कार फरीदाबाद, फिलहाल खड़े हैं हम सेक्टर 10 में, वार्ड नंबर 38 है शायद ये। क्या नाम आपका? शिव। शिव, शिव जी आपने ये काम रोक दिया है? रुकवा दिया जी। अभी किसने रुकवाया है? गली के लोग थे और उन्होंने कहा बंद कर दो, मैंने बंद कर दिया। गली के लोगों ने काम क्यों बंद करवाया है? पता नहीं, अब ये तो बताएगा सुपरवाइजर मेरा और नागर साहब सुपरवाइजर, वो बताएंगे। किसने? कौन से वाले हैं सुपरवाइजर? हाँ, वो क्या कह रहे हैं? आइए नागर साहब से बात करते हैं, पूछते हैं। ये जो सड़क बन रही है इसका काम रुकवा दिया गया है और यहाँ नागर साहब हैं, उनसे बात करेंगे। सुपरवाइजर हैं, उनसे बात करेंगे कि ये काम रुकवा क्यों दिया गया है। और लोगों ने शिकायत की है, वार्ड नंबर 38 है शायद ये और सेक्टर 10। हाँ नागर साहब आ जाओ, ये रोक दिया आपने काम। और वो कह रहा है जी रोक दिया आपने काम। मैंने कोई नहीं रोका काम, चल रहा है काम, काम चालू रहेगा। अच्छा। कुछ निगम की बातें हैं जो आके हमें बता दें कि रोड बनना है। उन्होंने मंडे तक का टाइम मांगा हुआ है कि बनाएंगे या नहीं बनाएंगे। जो बात है ना, तो अधलक्का जी ने मना किया हुआ है ना मंत्री ने मना किया है। ये बातें हैं निगम की। निगम हमसे बोल दे ठेकेदार जी रोड बनाना है तो रोड बनेगा, बस ये कहना चाहूंगा मैं, प्लीज। अभी फिलहाल किसने रोका आपने? तो आप सोच सकते हैं, ये हमारे साथ शिव कुमार जी हैं। पूरा वाकया बताएं शिव कुमार जी, क्या है मसला, क्या है? नमस्कार जी। जो ये कार्य हो रहे हैं यहाँ पे, ये हमने पहले विधायक जी को और फिर कृष्णपाल गुर्जर जी को फोन करवा के काम चालू करवाया कि जो पीछे का पॉकेट था उसमें 4-5 गलियां थी उनको बनवा दिया गया था। इनको भी कृष्णपाल गुर्जर जी के सहयोग से हम इनको बनवा रहे थे और विधायक जी के सहयोग से। अधलक्खा जी ने पहले जब ये सड़क बन रही थी तब इसको पीछे से रुकवा दी, यहाँ से रोक दो इसको, ये सामने वाला जो मकान है मैं इसको तोड़ के यहाँ से रास्ता निकलवाऊंगा। MCF के कर्मचारी आए थे, उन्होंने कोई दस्तावेज मकान को तोड़ के और रास्ता निकलवाऊंगा यहाँ से सामने सीधे से। आप देख सकते हो उस मकान के पीछे भी 3-4 और बिल्डिंग बनी हुई है जिनको तोड़ के कोई रास्ता नहीं बन सकता। कोई मतलब ही नहीं है इस बात का, कहीं भी ना सर है ना पैर है उस बात का। बनेगा जब टूट जाएगा तो फिर रास्ता बन जाएगा, उसमें क्या बात? अब इस सड़क को बने हुए करीब करीब ज्यादा नहीं तो 1.5 साल से ज्यादा हो गया इस सड़क को बने हुए। 1.5 साल से वो गड्ढा पड़ा था, उसमें लोगों ने अपने घरों के आगे थोड़ा थोड़ा मलबा डलवाया। अभी बात हुई थी जो इनके JP ब्रदर्स के बड़े ठेकेदार है MD आई थी, वो उनसे बात हुई अंकुश जी से, उन्होंने बुलाया कि ठीक है इसको जो बचा हुआ टुकड़ा है आपको इसको भी हम काम को चालू करा देते हैं। इस काम को चालू करा दिया गया आज। इसमें से 3 या 4 ट्रॉली मिट्टी उठी है। यहाँ पे 2-4 बंदे ऐसे हैं जो अधलक्खा जी के फेवर में रहते हैं या पता नहीं क्या है उनसे, क्या है उनको, उन्होंने अधलक्खा जी को फोन किया यहाँ से कि जी वो गली दोबारा से उठने लगी है उसमें से मलबा उठ रहा है। उन्होंने फोन कराया कि भी इस काम को रुकवा दो, तो ये गए हैं ठेकेदार हैं जो हमारे नागर साहब हैं, ये काम मलबे को उठवा रहे थे। इनको आके उन्होंने मना कराया कि भाई इसको अभी मत उठाओ। मैंने इनसे पूछा जी क्यों मना नहीं, अधलक्खा जी अभी मना कर रहे हैं इसको उठवाने के लिए। फिर मैंने जो ठेकेदार है JP ब्रदर्स के अंकुश जी हैं उनको फोन किया, फिर वापस मैंने अंकुश जी ने बोला है कि नहीं मैं रुको 10-15 मिनट इनसे बात कराई है मैंने नागर साहब से, क्या बात हुई है ज्यादा ये बता सकते हैं उनसे क्या बात हुई। उन्होंने भी ये बोला है कि ठीक है हम आपके काम को करवाते। फिर मंत्री जी को फोन किया कृष्णपाल गुर्जर जी को, कृष्णपाल गुर्जर जी ने भी नागर साहब को ये बोला कि आप काम को चालू कर दो। अब क्यों नहीं चालू कर रहे हैं ये तो नागर साहब को पता होगा। कहने के बावजूद भी काम चालू नहीं हो। कृष्णपाल गुर्जर जी ने मैंने फोन किया था, मेरे फोन से इनकी बात हुई है, इनको बोला है कि भी आप काम को चालू कर दो, उसके बावजूद भी काम चालू नहीं हुआ है क्योंकि जी अधलक्खा जी ने मना कर दिया काम को चालू करने के लिए। अब आप देख सकते हो कि 1.5 साल से ज्यादा इस सड़क को बने हो चुका है। अभी पीछे इस सड़क के पीछे प्रवेश मेहता जी जो है वो कह रहे थे कि ये पर सिग्नेचर करने का भी पैसा लेते हैं। मैंने वो वीडियो देखी थी, प्रवेश मेहता जी ने ये बोला है अधलक्खा जी तो पहले तो ऐसे ही थे अब तो लखपति है वो, तो एक आधार तो पहले से ही थे। आधार तो पहले से ही, अब तो लखपति है, एक साइन करने के 1,00,000 रुपए लेते हैं इस बात में। तो मैंने भी उनकी वीडियो देखी थी, वो प्रवेश मेहता जी आपके चैनल पर चली थी, वो उन्होंने तो बोला ही था बस पैसे को 200 करोड़ 400 करोड़। एक मैं कल एक वीडियो देख रहा था उसमें भी ये बताया जा रहा था कि जो भी अगर 20 से 25 लाख के काम होते हैं वो इंजीनियर के थ्रू या जो छोटा अधिकारी होता है उसके थ्रू उसकी फाइल पास हो जाती है। जब करोड़ों में फाइल होती है तो उसके अंदर जो फाइनेंस कमेटी होती है जिसमें जी अधलक्खा जी हैं, उस कमेटी वो फाइल को पास करती है। जब उसमें 200 करोड़ है, अभी वो ठेकेदार कह रहे 400 करोड़ पे, तो ठेकेदार क्या कहना चाह रहे हैं? आपकी पार्टी के व्यक्ति हैं, आपको नहीं कहना चाहिए। आप क्यों कहना चाह रहे हैं कि वो 200 करोड़ रुपए का जो घोटाला हुआ है उसमें कहीं ना कहीं फाइनेंस कमेटी की प्रॉब्लम है? जी मैं आपको एक बात बता दूं, कभी भी कोई भी पार्टी खराब नहीं होती। पार्टी में एक आध बंदा होता है जो खराब होता है पार्टी की पूरी छवि को खराब कर देता है, जैसे कि हमारे धनेश अधलक्खा जी ने कर रखा है। अब आप देख सको कितने बुजुर्ग आदमी है, ये हमारे अंकल है, इनका मकान साथ में है, जब इसे परेशान है। ये आप एक बार बात करिए जी अंकल जी नमस्कार। आपकी गली काम रुक गया?
मेरा तो जो है ना मकान ये है, मेरे आगे तो बन गई है, तो मैं तो अब क्या बोलूंगा। ठीक बात है, नहीं हमारी रुकी हुई है, हमें दिक्कत है, हम परेशान है बहुत ज्यादा, और कई बार हम इस बारे में कंप्लेंट कर चुके हैं, कोई सुनवाई नहीं है, वो जिद है इनकी आपस की, पता नहीं हमारे समझ से बाहर है। राजनीति बिल्कुल राजनीति हो रही है यहाँ पर, और हम इस राजनीति से परेशान है, हमें नहीं पता ये कौन राजनीति कर रहा, कौन राजनीति कर रहा है। आप भी कुछ बोलेंगे? नहीं सर, क्यों बोलो भाई साहब, कुछ तो बताओ क्या हो रहा है। काम होना चाहिए बस, कोई भी काम होना चाहिए, विकास कार्य होने चाहिए, चाहे कोई भी करवा रहा है, किसी एक आदमी को इसका श्रेय नहीं मिलना चाहिए। वो आंटी जी खड़ी हैं। हम तो ये कहते हैं सारी सड़कें बननी चाहिए, शहर की पूरी सड़कें बननी चाहिए सेक्टर के साथ साथ। अंकल जी अपना नाम और बताएं। हमारा नाम सुरेंद्र कुमार है। सुरेंद्र कुमार, अरे ग्रेट। कह के थक चुके हैं कि सारी सड़कें बननी चाहिए, एक भी सड़क ऐसी है, पब्लिक का बुरा हाल है, बाहर जाए अंदर जाए कहीं गिरे, हम खुद 10 बार गिर चुका हूँ मैं इन सड़कों पे, आज जा कल जाके ये सड़क बनी है, एक टुकड़ा बनाइए, अभी इसमें अभी काम रह गया है, ये तो कल माल थोड़ा कम रह गया तो बनाएंगे फिर इसको। आ जाएगा अभी माल? हाँ आएगा, माल आएगा। हम तो 4 साल से ये भुगत भुगत के थक गए थे, बोल बोल कर थक गए थे, और ये नहीं बन पा रहा था, और आप फरीदाबाद, आपको दिखा दें, हमने आपको दिखाया था ये सड़क, आधी खोद कर छोड़ दी, ये ऐसी सड़क जहाँ सियासत चल रही है, ये छोटा सा टुकड़ा, हमने 10x10 के टुकड़े कल आपको दिखाए थे, और आप देखें ये जो माताजी हैं, माताजी से बात करेंगे, ये आपकी सड़क है माताजी, बन नहीं रही है, काम रोक दिया है, हैं? आप भी कुछ बोलेंगे, क्या नाम आपका? रोनी है। रोनी, हाँ जी। रोनी, सड़क पे सियासत हो रही है जिसके बारे में पता नहीं है, पर ये कि काफी समय बाद बननी शुरू हुई, अब बंद हो गई है वापस से, कुछ कह नहीं सकते हैं। पर अच्छा तो नहीं लग रहा होगा आपका? नहीं। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 12th। 12th में। तो आपको नहीं लगता कि जब सब सारे शहर में सड़कें बन जाती हैं, फिर भी आपकी सड़क नहीं बनती है? लगता है, ये बुरा लगता है, ऑब्वियसली बात है, तो बुरा ही लगेगा। बुरा ही लगेगा जी। जो लोग जिम्मेदार हैं इसके लिए, उनसे कुछ कहना चाहेंगे आप? अभी तो स्टूडेंट है, स्टूडेंट कुछ कह नहीं सकते, बाकी कल वोटर भी हो गए, इसमें क्या बात है? हाँ ये भी बात है, तो खुलकर बोलो रोनी। कोई नहीं है वैसे। तो आप देखें ये जो सड़क है, भाई साहब 2 मिनट बोल दो, बता दो समस्या है आपकी, सड़क बंद हो गई बननी? नहीं है, अच्छा, मर रहे हैं पर जिक्र नहीं कर रहे हैं लोग। चलिए फरीदाबाद जोड़ेंगे आपको शहर की ऐसी ही और सियासी सड़कों के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।